तो जब थॉमस टुखल चेल्सी आया जनवरी में, चेल्सी वर नाइंथ इन द प्रीमियर लीग टेबल एंड दे हैड नो आइडेंटिटी, दे प्लेड नो फुटबॉल, दे केप्ट कंसीडिंग द गोल्स, दे वरंट एनी क्लीन शीट, दे वरंट स्कोरिंग एनी गोल्स, फ्रैंक लैम्पार्ड डिडंट नो अ थिंग, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या मैं यहाँ पे, एंड देन अ सैक केम एंड फाइनली कम्स इन थॉमस टुखल, एंड भाई साहब हु वुड हैव थॉट फरवरी मार्च अप्रैल मई में चार महीने में who would have thought that Chelsea would go on to win the Champions League, and guys that's insane, that's literally insane. आप सभी लोग लाइव पे मेरे साथ वो मैच देख रहे थे, watch along man. First of all guys, thank you for being over there. And भाई reaction told it all. My reaction was like how the hell Chelsea can do it. And भाई it wasn't such a surprise because Pep Guardiola overthinked. Obviously what else? मतलब 59 games में बंदे ने आइदर रोड्री और फर्नांडिनो को खिलाया है. कम्स द 60th गेम, लास्ट गेम, जब उसको लिटरली पिच परफेक्ट एकदम अपना लाइनअप रखना था विदाउट एनी टैक्टिकल मिस्टेक्स, ही ओमिटेड द CDMs. एंड जब उससे बाद में पूछा गया, एनी वाज लाइक यार आई थॉट कि गिवन द गेम दिस वुड द बेस्ट थिंग टू डू इट. बट यहाँ पे बात यह है कि चेल्सी आर द यूएफा चैंपियंस लीग चैंपियंस ऑफ द 2021 सीजन. भाई साहब अचीवमेंट है उनका, इतना ही फैंटास्टिक अचीवमेंट है, बिकॉज चार महीने में इतनी ब्रोकन टीम को आप इतना तगड़ा फुटबॉल खिला के चैंपियंस लीग नहीं जीता पाते, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट. ये बहुत बड़ी फीट है चेल्सी के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को. मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, वीडियो का थोड़ा एनालिसिस करेंगे, टैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे ज्यादा नहीं करेंगे, आप मैनेजर्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज टैक्टिकल पर्सपेक्टिव ऑलरेडी आ चुका होगा. सो गाइस लेट मी टेक यू टू माय मोबाइल फोन वेयर आई विल चेक द लाइनअप्स एंड ऑल फ्रॉम द वन फुटबॉल ऐप. एंड लेट मी टेल यू दैट आई एम रियली थैंकफुल दैट वन फुटबॉल ऐप इज कंटिन्यूइंग देयर स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल. एंड गाइस थैंक्स टू यू ऑल बिकॉज यू हैव लिटरली हेल्प मी थ्रू आउट दिस. वन फुटबॉल ऐप इज अ ग्रेट फुटबॉलिंग ऐप टू हैव ऑन योर फोन. यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ ऑल द मैचेस दैट आर गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल. You'll get the live lineups, the live scores update, and the stats are also so good. You can get each and every stat from over there. As you can see in this Manchester City and Chelsea game, City had 60% of the possession. They had 55% aerial dual ones, 3 corners, and total shots 7, and they had just one on target. ठीक है, तो एवरीथिंग इज देयर, डिफेंसिव स्टार्ट्स एंड एवरीथिंग इज देयर. एंड ऑल्सो यू विल गेट द अपडेट्स अबाउट द यूरोज, अपकमिंग यूरोज इज वेल. सो द बेस्ट थिंग इज दिस एप्लीकेशन इज फ्री, गो डाउन इन माई डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप फ्रॉम ओवर देयर. एंड गाइस थॉमस टुखल लिटरली प्रणाम करना चाहिए हमें, बंदे को सैक कर दिया गया PSG से बिकॉज ही वॉजेंट एबल टू डिलीवर, ही वॉजेंट एबल टू यू नो मेक PSG विन इट. सबको सही नहीं लग रहा था उसका प्रोग्रेस जो भी हो रहा था, बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं वहाँ पे, एंड ही वॉजेंट, मतलब दे वरेंट हैप्पी. एंड यार मैं ये सोच रहा था कि why can't you be patient. आज का जमाना पता क्या है, आज का जमाना ऐसा हो रहा है कि एक मैनेजर काम नहीं कर रहा है, हटा उसको. I have seen it happen. ये जो नए लड़के हैं फुटबॉल जो भी रिसेंटली देखना स्टार्ट किए हैं, ये they don't know what loyalty is in football. मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूं, जो कि लोग कहते हो यार कि ये मैनेजर काम नहीं कर रहा है हटा दो उसे, तुमको पता है कितना बुरा लगता है when players like Pirlo are getting sacked, ये when players like Frank Lampard are getting sacked. And I follow Barcelona, ठीक है, and Barcelona की कंडीशन बहुत ही खराब चल रही है, तो everybody is like यार Koeman को sack करो, ये करो वो करो, यार guys ये हो गया ठीक है यार, this shouldn't happen. Football is a game of trust, ठीक है, आपका manager आपको कुछ tactics समझाएगा, आपको वो काम करना होगा, उस हिसाब से काम करना होगा, कभी कभार वो बहुत जल्दी work करती है जैसे Thomas Tuchel के केस में, कभी कभार it takes time, like Pep Guardiola's Barcelona, ठीक है, I won't say Ole is Manchester because बेचारे चार साल से you know they haven't won a trophy, but Ole पे trust करना चाहिए, Ole is taking them in the right direction, मेरे हिसाब से I would want him to stay. So ये हो गई मेरी managers वाली बात, and इसी के base पे मैं अपने next point बोलने वाला हूँ, that I don't want Pep Guardiola to leave. Okay, there you go, there's a shocker, ठीक है, सही बात है, Pep Guardiola ने सब कुछ कर दिया है Manchester City पे, he has spent billions, खासकर डिफेंडर्स पे, ही हैज मेड द टीम रिजोल्यूट, सब कुछ उसके पास है, डिफेंडर्स हैं टॉप, मिडफील्डर्स है टॉप, अटैकर्स स्ट्राइकर्स है टॉप, एंड भाई कमी किस चीज़ के, बट व्हाई द हेल ही इज नॉट एबल टू विन दम अ चैंपियंस लीग. पहले कुछ सीजन में क्वार्टर फाइनल से बाहर हुआ, देन लास्ट सीजन सेमीफाइनल से बाहर हुआ है, एंड देन आज फाइनल से बाहर हो रहा है बंदा. मतलब व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉब्लम? द सिंपल आंसर टू इट इज यार उसने टैक्टिकली गलत प्लेयर्स खिला दिए, यू नो ही ओवरथिंक, ही ओवरथॉट. अब व्हाई द हेल वोंट यू पिक अ CDM? अब देखो एक बार मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाता हूं, ये जो लाइनअप था यहां पे चेल्सी का, बेन चिलवेल, जॉर्जिनो, कॉन्टे, ठीक है, एंड रीस जेम्स, जो मिडफील्ड फोर था, 3-4-3 फॉर्मेशन में मिड फोर था, ठीक है. द थिंग इज कि ये लोग इतने एक्सपेंसिव
डिफेंसिव इन द फुटबॉल. एन्गोलो कॉन्टे तो भाई साहब कुत्तों की तरह से पूरे पिच पे भागता रहता है. इज अ फैंटास्टिक प्लेयर बाय द वे. एंड जॉर्जिनो के साथ इसकी जो पार्टनरशिप थी इट वॉज लिटरली वर्किंग आउट. एंड फिर जो ये ओकेजनल मेसन माउंट का ड्रॉप करना, का हैविट्स का ड्रॉप करना, हमने देखा कई बार का हैविट्स ड्रॉप करके चैलेंजेस मार रहा है. तो वो जब ये कर रहा होता है तो रीस जेम्स एंड एन्गोलो कॉन्टे अप टॉप होते हैं, तो कभी भी न्यूमेरिकल उनको डिसएडवांटेज नहीं होता इन द मिडल ऑफ द पार्क में. एंड इसी चीज की वजह से मैनचेस्टर सिटी का मिडफील्ड बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा था, बिकॉज तुमको पता है यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगन, फिल फोडन ऑल वर देयर, बट दे डिडंट क्लिक बिकॉज इनकी जो मिडफील्ड थी इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, इतने ज्यादा स्पेसेस ओपन कर रही थी, बिकॉज काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स, रूबेन डियाज की बैक थ्री हो रही थी, अलेक्सेंडर ज़िनचेंको मिडफील्ड में ऊपर आ रहा था, फिल फोडन यूज टू स्टे अप टॉप, महरेज़ ऊपर, स्टर्लिंग ऊपर एंड बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगन, एंड इनकी भी जो बॉल प्रोग्रेशन नहीं हो पा रहा था, बहुत बड़े बड़े गैप्स बन रहे थे यहाँ पे, बहुत ही बड़े बड़े गैप्स बन रहे थे. और उसको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया है मेसन माउंट एंड बेन चिलवेल ने, बिकॉज जब चेल्सी को जरूरत हो रही थी प्रोग्रेस करने की तो दे वेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, बेन चिलवेल को बॉल पास कर रहे थे, बेन चिलवेल बॉल रिसीव करके पुल करा था अपने मार्कर को. खासकर ऐसा हो रहा था कि जॉन स्टोन्स वॉज कन्फ्यूज कि यार मैं अपने फॉरवर्ड मार्कर को प्रेस करूं कि मैं अपने डिफेंसिव मार्कर को प्रेस करूं, मतलब कि बेन चिलवेल पर जाऊं कि मैं ये वर्नर पास जाऊं. एंड हमने देखा है कि उस गोल में यही सेम सिचुएशन हुई थी. काइल वॉकर वॉज कॉट अप इन सम काइंड ऑफ ड्यूल विद बेन चिलवेल. बेन चिलवेल ने फ्लिक किया मेसन माउंट को. एंड यहाँ पे टीमो वर्नर का इतना ही तगड़ा परफॉर्मेंस था, बिकॉज ही वॉज द गाय हु मेड दैट इनर रन. इसने ड्रैग किया है रूबेन डियाज को, खींच के ले गया एंड अलेक्जेंडर ज़िनचेंको यहाँ पे काय हैवर्ट्ज़ के साथ था. एंड मेसन माउंट ने भाई जो बॉल डाली है बीच में से, हद हो गई भाई साहब. एंड काय हैवर्ट्ज़ का टेरिफिक फिनिश. तो भाई मतलब देखो, मैं बताया था टैक्टिकल वीडियो नहीं होगा, बट थोड़ा सा बात करनी पड़ती टैक्टिक्स की. एनीवेज, बिकॉज पेप गार्डियोला कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट थॉमस टुकल वुड डू. एंड हमको पता है कि टैक्टिकली अगर बेस्ट मैनेजर्स की बात करा जाए यार, तो पेप गार्डियोला इज द फर्स्ट नेम दैट कम्स अप टू आवर माइंड. ठीक है, बट हाउ कुड थॉमस टुकल रीड दिस सो वेल? How could Pep Guardiola not read this? Why would he omit? अब उसके अकॉर्डिंग गुंडोगन, अब a scorer, ये बंदा scorer है, टॉप scorer है अपनी टीम का, इसको तुम एज अ CDM खिला रहे हो, इसके अटैकिंग प्रोवेस रिस्ट्रिक्ट करो. स्टर्लिंग जो कि ऑफ फॉर्म है, तुम उसको स्टार्ट करा रहे हो यहाँ पे. यार मैंने पता है अपना लाइनअप दिया था प्रीव्यू में यहाँ पे मैच के, एंड आई डिडंट यूज दिस गाइज. मैंने प्रॉपर फर्नांडिनो को खिलाया था, मैंने केविन डी ब्रुइने एंड बर्नार्डो सिल्वा को खिलाया था. इवन आई थॉट ऑफ यूजिंग फेरान टोरेस, जो कि पता नहीं कहाँ ही था मैच में. तो आई डोंट अंडरस्टैंड पेप गार्डियोला को अब क्या करना चाहिए, उसको और टाइम देना चाहिए, उसको क्या अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू नो यू डोंट प्ले चैंपियंस लीग फाइनल एवरी ईयर. दिस वॉज हिज चांस, ही हैड टू प्रूव इट, बट ही मिस्ड इट अप. तो अब व्हाट कैन वी गो ऑन टू डू फ्रॉम नाउ ऑन? क्या करेगी मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज ऑफ सारे फैंस अपसेट हैं. ठीक है यार, उनके पास डबल हुआ है, लीग ट्रॉफी है एंड देन उसके बाद से बाकी एक और ट्रॉफी है. ठीक है, तो डबल इज ओके, बट देयर वाज अ चांस फॉर अ क्वाड्रिपल. एंड इतनी ओवरथिंकिंग की वजह से, ये टैक्टिकल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पेप गार्डियोला ने यहाँ पे चैंपियंस लीग फाइनल हारा है. इट डजंट फील गुड. थोड़ा खराब लग रहा था सर्जियो अगुएरो के लिए, दैट ही वाज क्राइंग लाइक दैट. उसका लास्ट गेम था, ही शुड हैव वन इट. बट यहाँ पे आई वुड टेक नथिंग फ्रॉम चेल्सी, बिकॉज दे हैव लिटरली सरप्राइज मी, दे हैव लिटरली सरप्राइज एवरीवन. नोबडी थॉट कि Tuchel would do three in a row against Pep Guardiola, because पिछले दो games Manchester City के against he has won it. FA Cup semi-final में था, एक league का match था, but Champions League final में even I gave the prediction that क्या 3-1 Manchester City जीतेगी. But then when the lineup came, I was like, भाई I don't know about this. तो इस game में Thomas Tuchel ने दिखा दिया अपने brilliance because of the use of Ben Chilwell, because of the use of Reece James, Cesar Azpilicueta का वो भाई warrior वाला performance, Anton Rudiger, but Rudiger तो last days challenges ऐसे मार रहे, ऐसे लग रहा था कि भाई साहब ही इज द रियल सेवियर. फिर थियागो सिल्वा जब तक खेला ही वॉज फैंटास्टिक. क्रिश्चियनसन बाद में आ चुका था, ही वॉज ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड. कॉन्टे की तो मैं बात नहीं करूंगा भाई, लिटरली नहीं करूंगा, बिकॉज कर नहीं सकते. ही मतलब बंदा पिच पे सबसे छोटा है, ठीक है, हाइट में, ठीक है, मोस्ट टैकल्स, मोस्ट इंटरसेप्शन, मोस्ट एरियल ड्यूल्स वन. हाउ कैन दिस बी लॉजिकल? होली शिट. मतलब मुझे तो लग रहा था सीरियसली यार मैनचेस्टर सिटी डर के खेल रही है, बिकॉज जब गोल उन्होंने खाया ना उसके बाद से लिटरली उनका एक मूड कह सकते हो, उनका फोकस कह सकते हो, स्लिप हो गया. एंड देन फिर पेप गार्डियोला ने वो 63rd मिनट पे फर्नांडिनो को लाया. तब तक सेटल इन हो चुके थे चेल्सी वाले यार, ठीक है. जॉर्जिनो ऑल्सो प्लेड अ ग्रेट गेम. मेसन माउंट, टीमो वर्नर, काय हैवर्ट्ज़ ऑब्वियसली शट हिज डाउटर्स. एंड इसे पूछा गया कि भाई यार तुम यहाँ पे चेल्सी के मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ही वाज लाइक, तो पता है आपको मेसन माउंट जैसे प्लेयर्स, होम ग्राउंड प्लेयर, क्रिश्चियन पुलिसिस जैसे प्लेयर्स एंड ब्रीज जेम्स जैसे प्लेयर, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी डील है यार यहाँ पे, बहुत बड़ी डील है कि जाके चैंपियंस लीग फाइनल जीतना अपने बॉयहुड क्लब से. एंड आई वुड थैंक फ्रैंक लैम्पार्ड फॉर ब्रिंगिंग थियागो सिल्वा इन, फॉर मेकिंग दिस टीम दैट इज टुडे. बिकॉज ऑब्वियसली बात है, थॉमस टुकल ने भी बोला है कि यार इसकी नींव सेट की थी फ्रैंक लैम्पार्ड में, एंड फ्रॉम देयर आई हैव कंटिन्यूड इट. एंड तो गाइस मुझे लगता है कि यार चेल्सी को नेक्स्ट सीजन वॉच आउट करना होगा. आपको क्या लगता है चेल्सी कहाँ फिनिश करेगी नेक्स्ट सीजन? आपको क्या लगता है कि दोनों मैनेजर्स में से कौन सा बेटर है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आपको क्या लगता है, पेप गार्डियोला को रुकना चाहिए कि सैक कर देना चाहिए उसको? एंड इफ दिस चेल्सी टीम्स नीड्स
any more addition the place where they lack, let me know in the comments down below because I want to know aapko kya lagta hai Chelsea kahan pe kami hai. And Eduardo Mendy ki to ek baat kiya nahi, Eduardo Mendy bahut hi pyara player because almost 5-6 saal pehle bindar, you know, he was released from the third division and he was jobless and bande ne jaake Champions League jeeta. So guys, I just want to end up by saying yeah, life aise hai, keep fighting for it. You know, at the bad moments, that it's never the ending. You have to keep on working and you know, you'll get what you want. So just keep fighting for it. And that's all for this video, guys. Agar pasand aaya to like karna, subscribe karna, and I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.